आई एवरी वन सेंडिंग अक्रॉस लॉट्स ऑफ वेलकम विशेष टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आई एम रिचा और आज परचम में हम डिस्कस करने वाले हैं असम आसाम यस आपकी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी और ये नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट है जो मैं ट्राई करूँगी आपको याद करवाने का आई बिलोंग टू वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और उसके डिस्ट्रिक्स का प्रोनाशिएशन इन एवरी थिंग वॉज क्वाइट चैलेंजिंग फॉर मी स्टिल आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको ये जितने भी डिस्ट्रिक्स दिख रहे हैं थर्टी फाइव डिस्ट्रिक्स ऑफ देम जिस तरह से अभी तक मैंने इंडिया के अलग अलग स्टेट्स और उनके डिस्ट्रिक्स याद करवाए हैं कोशिश की है बच्चों को याद करवाने की एंड दे द पीपल हैव अप्रीशिएटेड अलॉट दैट इज वायर प्रॉब्लम पीपल वो डिमांडिंग इट तो आज हम ट्राई करेंगे ये थर्टी फाइव डिस्ट्रिक्ट और उनकी प्लेसिंग याद करना ऑन द स्टेट मैप ऑफ आसम सो दैट आप जो भी इंफॉर्मेशन असम की याद करेंगे पढ़ेंगे वो दिमाग में असिमिलेट करना स्टोर करना थोड़ा इजी हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल आप माजुली आइलैंड के बारे में बहुत फेमस है सबको पता है दैट इट इज लार्जेस्ट रिवर आइन आइलैंड बट अगर हमें मैप पे उसकी प्लेसिंग पता होगी दैट ओके दिस इज माजुली सो वेन एवर यू हियर अबाउट माजुली आपके दिमाग में एक फोटोग्राफिक मेमोरी आ जाएगी अच्छा मैप ये था ये माजुली था इसके बारे में हम बात कर रहे हैं राइट right? या फिर जैसे रेमोना नेशनल पार्क वज अनाउंस रिसेंटली दैट हैज बिन डिक्लेयर्ड अ नेशनल पार्क और मैं अगर आपको बोलूँ इट इज इन कोकराझार राइट और अगर आपको पता है कि दिस इज कोकराझार दिस इज कोकराझार डिस्ट्रिक्ट राइट तो आप जैसे ही रेमोना और कोकराझार सुनेंगे मैप चलेगा और आपको कोकराझार दिख जाएगा ओके okay, यहाँ की बात हो रही है सो मैप्स आर ग्रेट फोटोग्राफिक टूल एंड दे हेल्प यू इन लर्निंग एवरीथिंग फास्टर एंड दे हेल्प यू रिटेन द इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर टाइम राइट एंड दैट इज माई प्रॉब्लम पीपल वर आस्किंग फॉर इट तो एक तो आपके ऑन डिमांड पे हम मैप याद करेंगे आई एल ट्राई

स्टार्ट uh, करेंगे फैक्ट्स के साथ लेकिन उससे पहले uh, जब हम ये मैप पढ़ेंगे ना हम सिर्फ प्लेसिंग नहीं देखेंगे आई विल ऑल्सो ट्राई टू टेल यू सम इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर थिंग्स अबाउट दीज डिस्ट्रिक्ट जैसे कि लाइक आई टोल्ड यू कोकराझार में रेमोना नेशनल पार्क अभी रिसेंटली uh, डिक्लेयर हुआ था तो इस तरह की मैंने इंफॉमेशन बता दी या फिर राइस बोल ऑफ असम कौन से डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है नागांव को कहा जाता है तो जब हम नागांव की बात करेंगे हम ये भी बोलेंगे कि राइस बोल ऑफ असम कहा जाता है तो इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वाई इज़ इट पॉपुलर वॉट इज पॉपुलर फॉर वो भी मैं आपको बता दूंगी सो दैट अ क्विक रिविजन यू पीपल विल बी एबल टू गेट ओके एंड चलिए शुरू करते हैं ओके इफ यू वॉन्ट टू रेफर टू अदर स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट एंटायर प्ले लिस्ट ऑन स्टेट मैप्स देयर ऑन द चैनल उसमें आई थिंक क्वाइट मेनी स्टेट्स आईव कवर्ड सो फार साउथ का भी किया है नॉर्थ वेस्ट का भी किया है नॉर्थ ईस्ट पहली बार शुरू कर रहे हैं सो so, आप चाहें तो वो रेफर कर सकते हैं वील बी स्टार्टिंग विद द फैक्ट्स ना असम इज द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वेन इट कम्स टू नॉर्थ ईस्ट ओनली नॉर्थ ईस्ट एम टॉकिंग सो इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इट इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बट वैन इट कम्स टू साइज एरिया की अगर हम बात करें इट इज सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट अमंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया यहीं पर आपके लिए मैं पहला क्वेश्चन दे देती हूँ बिकॉज बहुत सिंपल एंड ऑब्वियस आंसर इसका आने वाला है एवरीबडी विल भी एबल टू आंसर इट ज लार्जेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सा है विच इज द स्टेट विच इज लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आप बताएंगे थर्टी फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट कौन सी है तामलपूर. तामलपूर, 2022 थाउजेंड ये सबसे बेबी डिस्ट्रिक्ट है यानी सबसे न्यू डिस्ट्रिक्ट है तामलपुर और इसको 2022 में ही डिक्लेयर किया गया है ओके नाउ टॉकिंग अबाउट एरिया विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कार्बी आंगलोंग कार्बी आंगलोंग ओके इसमें से वेस्ट कार्बी आंगलोंग वेस्ट को अलग कर दिया गया था बट कार्बी आंगलोंग जिसे कई जगहों पे कार्बी आंगलोंग ईस्ट भी कहते हैं बट इट इज़ इट इज़ नॉट ईस्ट इट इज़ कार्बी आंगलोंग ओनली एंड इट इज़ लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया

इट इज माजुल माजुली एंड इट वॉज डिस् डिक्लेयर अ डिस्ट्रिक्टी सेवन जून टू थाउजेंड सिक्सटी सो दिस वैंड ऑफ अ ब्रीफ अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट एंड द न्यूएस लार्जेस्ट एट्सेट्रा कैटेगरीज अब हम आते हैं बॉर्डर्स पे असम के अंदर चले उससे पहले थोड़ा आसपास बॉर्डर्स का अंदाज़ा ले लेते हैं कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर होते हैं किन किन स्टेट्स से असम के साथ और कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होते हैं ठीक है सो फर्स विल भी हैविंग अ लुक एट दिस लेट मी इट अ बिट फॉर यू ये ब्लड दिखेगा आपको बिकॉज इट इज़ नॉट अ हाई रेजोल्यूशन वन आई एल बी शोइंग यू द राइट साइड ऑल्सो वील गो स्लो सो दैट एवरी थिंग इज यू आर एबल टू रिमेंबर एवरी थिंग वाई यू वॉच द वीडियो एंड माई थ्रोट इज नॉट इन गुड कंडीशन सो काइंडली बेयर विद इट दिस रेड कलर थिंग इज असम ओके इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो एक तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर है जो आपको दिख रहा होगा शेयर होते हुए ओके okay? और एक ये इंटरनेशनल बॉर्डर है राइट right? सो so, यहाँ पे कौन सा कंट्री आता है दिस इज भूटान या एंड ये कौन सा कंट्री आएगा बांग्लादेश ओके सो देर आर टू कंट्रीज विथ विच असम शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर भूटान एंड बांग्लादेश डन नाउ इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट यू बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट अगर तो तो आपको आइडिया होगा बट दे कैन बी अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो मस्ट बी वॉचिंग दिस वीडियो तो अगर आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का आइडिया है उनकी प्लेसिंग का तो, तो आप समझ जाओगे दिस एंटायर इज अरुणाचल सो वन इज अरुणाचल प्रदेश देन न मा मी. ये माँ थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने न मामी न मामी से क्या याद करवाते हैं हम नागालैंड मणिपुर मिजोरम, सो so ये तीन स्टेट्स और आ गए अरुणाचल को मिला के चार दिस इज त्रिपुरा एंड दिस इज मेघालय ओके एंड यहां पे अगर आप देखेंगे यहां सो दिस इज वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, सो वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा एंड मेघालय दीज सेवन स्टेट्स शेयर बॉर्डर विथ आसाम ओके और ये चीज आप <coughs> यहां और क्लियरली देख सकते हैं ओके आई थिंक इट विल बी विजिबल यहाँ से राइट right. आई एम टीचिंग एज्यूमिंग के आपको नहीं पता चीजें इसलिए आई एल बी डीलिंग एवरीथिंग इन डिटेल धीरे धीरे डिटेल इन देंस वील बी गोइंग लिटल स्लो विथ थिंग्स सो दिस एंटायर पोर्शन इज असम राइट आई जस्ट आई एम सो सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस बट कैन नॉट रियली हेल्प इट ओके दिस इज असम नाउ यर यू कैन सी दिस एरिया या

ओके व्हाट आर दीज डिवीजन जल्दी से हम देख लेते हैं जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट ऑफ द स्टेट और ये जो मैप है ये विकीपीडिया से लिया गया जस्ट इन केस यू वॉन्ट टू रेफर टू इट ठीक है तो आप वहां से देख सकते हो सो देर आर फाइव डिवीजन्स रीजनल डिविजन्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं सबसे नीचे दिस दिस इज बराक वैली बराक वैली बिकॉज बराक रिवर फ्लोज थ्रू यर उसके बाद दिस इज सेंट्रल असम द ब्लू पार्ट देन नॉर्थ असम दिस इज अपर असम ब्रह्मपुत्रा इंटरस फ्राम यूर ओके एंड दिस इज लोअर असम सो इट जस्ट फ्लोज फ्राम यूर है ना सो so, ये पूरा ब्रह्मपुत्रा वैली रीजन है हम फिजिकल डिविजन्स नहीं पढ़ रहे हैं बट जस्ट इन केस यू वो सो दिस इज द ब्रह्मपुत्रा का कोर्स फ्राम असम और यहाँ पे बराक है सो so, ये बराक वैली वाला एरिया हो गया ये पूरा ब्रह्मपुत्रा वैली एरिया हो गया एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लड्स ड्योरिंग मानसून

Uh, ये जितनी भी डिस्ट्रिक्ट इवन इफ़ यू आर रिजाइडिंग इन असम इवन इफ़ यू आर नेटिव ऑफ असम, तो भी ज़रूरी नहीं है आपको सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम पता हूँ लाइक आई बिलोंग टू राजस्थान पर जब तक मैंने कभी पढ़ा नहीं था इंटरेस्ट नहीं लिया था मुझे सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम नहीं पता थे राइट right? तो एक बार हम सारे डिस्ट्रिक्ट के नेम्स पढ़ेंगे ताकि वो हम सुने थोड़ा सा हमारे दिमाग में सेटल हो और उसके बाद जब हम टेक्निक्स लगाएंगे ट्रिक्स लगाएंगे छोटी छोटी स्टोरीज सुनेंगे तो क्लू से ओरिजिनल नेम तक पहुंचना ईजी हो जाएगा ठीक है तो चलिए आई जूम दिस थिंग फॉर यू एंड लेट स्टार्ट फ्रॉम द अपर असम साइड राइट सो स्टार्टिंग विथ तिनसुकिया सो सबसे ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है तिनसुकिया तिन सुकिया इफ यू नो तिनसुकिया में सबसे ओल्डेस्ट कमर्शियल uh, पेट्रोलियम ऑयल रिफाइनरी व्हाट आई वुड से इज वह अप सबसे पहली कमर्शियल पेट्रोलियम या ऑयल रिफाइनरी इन दिग बॉय वह सेटअप ओके देन इट इज आल्सो नोन फॉर द लॉन्गेस्ट ब्रिज जो अभी एग्जिस्टिंग है लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है आप बताएंगे चलिए मुझे बताइए विच इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज क्वेश्चन जो कि असम और अरुणाचल को कनेक्ट करता है रिवर ब्रिज है ये ओके लोहित रिवर के ऊपर है असम साइड में ये भी बता देती हूँ ठीक है देन इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स टी गार्डन एंड टी प्रोसेसिंग यस एंड डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क भी यहाँ पे इधर इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स फॉर विच द डिस्ट्रिक्ट इज नोन सो तीन देन कमिंग ओवर टू धेमाजी धिमाी धिमाची इज एवरीथिंग आर देर राइट सो धिमाची इज देर देन ये है दिब्रुगढ़ दिब्रुगढ़ सो so, तिनसुकिया धिमाजी दिब्रूगढ़ दिब्रूगढ़ देहिंग पटकाया नेशनल पार्क सो so इट इज़ शेयर्ड बिटवीन दिब्रुगढ़ एंड तिनसुकिया देहिंग पटकाया नेशनल पार्क सो so, दिब्रुगढ़ इज वन देन चौराहे दियो चौरा दियो शरा बेसिकली नोन फॉर अहोम जो किंगडम थी उसके जो रॉयल्टीज़ होते थे राइट right? तो उनके उनके जो स्मृति स्थल होते हैं जो उनके जब जैसे इजिट में पिरामिड्स होते हैं द द रूलर्स द रॉयल्टीज़र यू नो काइंड ऑफ उनके ताबूत बना करके रख दिया जाता था एंड सॉट ऑफ अ टूम वॉज कंस्ट्रक्टेड सिमिलर वे यहाँ पे शराय देव के अंदर अहोम जो रॉयल्टीज़ हैं उनके स्मृति स्थल आदिर देन शिव सागर शिव सागर में भी आपको अहोम किंगडम के काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स और पैलेसेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे तो so, शिव सागर लखीमपुर 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 इज बेसिकली पैडी वगैरह का कल्टिवेशन होता है ओके okay? देन माजुली माजुली बहुत पॉपुलर। माजुली इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन दी वर्ल्ड इन दी वर्ल्ड देन जोरहाट 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 जितना आई uh, नो जोर मीन्स टू राइट एंड हार्ट इज अ बाजार है ना तो दो बाजार या मल्टीपल बाजार तो जोरहाट इज कॉल्ड ऑल्सो नोन एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ असम मैं बताते भी जा रही हूँ साथ साथ में जितना भी मुझे इन्फॉर्म पता है सो so दैट आपका एक रिविजन भी हो जाएगा और इस सारे वर्ड्स एक बार दिमाग में आप डालते जाइएगा सो so, तिन सुखिया धेमाझी डिब्रुगढ़ चरायदेव देन लखीमपुर मजौली शिव सागर जोरहाट अभी याद नहीं करवा रही हूँ आई एम नॉट मेकिंग यू मेमोराइज राइट नाउ ट्रिक टेक्निक अभी हम लगाएंगे दिस इज जस्ट वन राउंड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल द नेम्स ओके देन गोलाघाट 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 एंड नागांव इस एरिया में ही आता है काजीरंगा नेशनल पार्क यस वन हॉन डायनासोर के लिए जो फेमस है है ना देन कम्स बिश्वनाथ आफ्टर लखीमपुर यहाँ पे देखिए बिश्वनाथ बिश्वनाथ इज ऑल्सो नोन एज गुप्त काशी हाइट बूढ़ी गंगा और ब्रह्मपुत्रा यहाँ पे मिलते हैं विश्वनाथ के घाट्स पे ना सो so, इसको गुप्त काशी भी कहा जाता है देन कार्बी आंगलोंग ये ईस्ट बोलते नहीं हैं ऑफिशियली कार्बी आंगलोंग इज़ दी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, हो जाए हो जाए जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिनिएचर इंडिया वाई बिकॉज लॉट ऑफ कल्चर्स एंड यू नो ट्रेडिशंस कैन बी सीन सो हो जाए हो जाए का उल्टा करो जय हो है ना सो so, uh, जय हो इंडिया की कि इंडिया में भी इतने सारे कल्चर्स हैं हो जाए इज़ द मिनिएचर इंडिया इसमें भी बहुत सारे कल्चर है हो जाए देन uh, कार्बी आंगलोंग वेस्ट जो कि कार्बी आंगलोंग से ही हटा करके एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट अनाउंस कर दिया गया था नागांव नागांव इज काइंड ऑफ इन द हार्ट ऑफ आसम राइट एंड नागांव इज नोन एज द राइस बोल ऑफ आसाम वेरी गुड देन जस्ट पास में नागांव के मोरी गाँव आई यू एबल टू सी शुड आई जूम इट अपट मोर

तोरा तोरा समथिंग तोरा छोटा हिंड दे दिया मैंने ट्राई इट ओके देन सो विश्वनाथ के पास में देखिए सोनितपुर सोनितपुर इज देयर एंड uh, <coughs> सोनितपुर में भी बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं राइट सो इट इज़ बेसिकली नेचर नेचर वाली जगह लॉट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड बी और पार्क इज़ देयर नामेरी नेशनल पार्क इज़ देयर देन उडलगुरी उडलगुरी देन दर रंग आफ्टर दैट कामरूप मेट्रो एंड कामरूप सो कामरूप कॉस्मोपॉलिटन भी बोलते हैं इसको मेट्रो क्या कॉस्मोपॉलिटन भी बोलते हैं सो कामरूप कॉस्मोपॉलिटन एंड कामरूप कामरूप कॉस्मोपॉलिटन या मेट्रो के अंदर ही देर इज गुवाहाटी यस और गुवाहाटी में ही एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो कि शक्ति पीठों में से भी एक है 51 वन पीठ हैं सारे देवियों को समर्पित सो दैट इज कामाख्या मंदिर कामाख्या देवी टेम्पल दैट इज इन कामरूप मेट्रो देन कामरूप इज हर मूविंग अ लिटिल पहले नीचे इधर हम आ, बराक वैली वाला हिस्सा और सेंट्रल का कंप्लीट कर लेते हैं हो जाए देखा था कार्बी आंग्लॉंग देखा था दीमा हसाओ, दीमा हसाओ दीमा हसाओ दीमा हसाओ में एक विलेज है एक जगह है विच इज फेमस फॉर द सुसाइडल टेंडेंसी ऑफ बर्ड्स इन सम मंथ्स ऑफ द ईयर सेप्टेम्बर से लेकर अक्टूबर नवंबर तक बर्ड्स सुसाइडल टेंडेंसी रखती हैं यानी आकर के गिरती हैं बहुत जोर से दीवारों वगैरह से टकराती हैं सो नेम ट्राई नेम दैट प्लेस ठीक hmm? है फिर कछार देन करीमगंज हैलाकांडी <coughs> कचहार इज बेसिकली uh, सिलचर है जैसे आसाम में ना इट इज योर सो इट इज द एजुकेशनल हब ऑफ आसाम इट इज नोन फॉर इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस राइट अब हम आ जाते हैं टू द लोअर आसाम साइड नॉर्थ हमने देख लिया था सो so, कामरूप हो गया नालबाड़ी बाजली देन uh, बक्सा तामलपुर दिस इज तामलपुर बक्सा में से ही अलग हुआ है ये तामलपुर उडलगुरी और ता, बक्सा के पास में अच्छा उडलगुरी को नाम कैसे पड़ा देर इज़ अ ट्री उडल ट्री है ना uh, उसके ऑरेंजिश सॉर्ट ऑफ फ्लावर्स होते हैं जिसको इफ आई एम नॉट रॉन्ग एलिफेंट ट्रंक फ्लार या प्लांट भी कहा जाता है सो so उससे इसका नाम पड़ा है दरंग हो गया देन शिरंग बोंगाए गाँव बोंगाए गाँव बारपेटा ग्वालपारा ग्वालपारा Uh, ग्वाल होते हैं ना जितना आई स्टडीड जो ग्वाले होते हैं जो दूध वगैरह निकालते हैं मिल्कमैन उनके उससे ग्वालपाड़ा नाम पड़ा है एंड येस लेट मी टेल यू समथिंग ऑल आई टू टेल यू योला घाट गोला घाट जब हम पढ़ रहे थे गोला इज शॉप एंड घाट इज नदी का किनारा सो लॉट ऑफ मारवाड़ी कम्युनिटी केम एंड सेटल्ड हियर एंड स्टार्टेड डूइंग द बिजनेस तो यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी काफ़ी फ्लरिश है ओके okay? <coughs> दे ओके सो बारपेटा हो गया बोंगाई गांव हो गया ग्वालपाड़ा हो गया चिरांग कोकराझार कोकराझार झार आई टोल्ड यू uh, रेमोना नेशनल पार्क देन बक्शा में uh, जो मानस uh, नेशनल पार्क है बायोस्फेयर रिजर्व है उसका काफी सारा हिस्सा बक्सा के अंदर आपको देखने को मिलता है देन डुबरी एंड साउथ सलमारा मानकाचार एंड दिस इज दस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया साउथ

दैट सेम क्रिएटिविटी एंड विजुअलाइजेशन आई डिमांड फ्रॉम यू दैट इज दी ओनली थिंग यूर रिक्वाइड टू डू बाकी सब कुछ आई ट्राइ एंड हेल्प ठीक है तो हम शुरू करते हैं अपर असम रीजन से ठीक है चलिए आई जूम थिंग्स फॉर यूटल यहां तक ऑल राइट लेट स्टार्ट सो तिनसुकिया धेमाजी डिब्रूगढ़ चराईदेव शिवसागर लखीमपुर माजुली जोरहाट गोलाघाट यहां तक अभी हम पहले याद करेंगे और विश्वनाथ ठीक है तो ये जितना आपको अभी स्क्रीन पे मेजरली दिख रहा है ऑल दीज डिस्ट्रिक्ट विल बी लर्निंग हाउ अब आपने सबका इंट्रोडक्शन देख लिया डिस्ट्रिक्ट्स का अब हम अब हम इनके नेम्स को थोड़ा तोड़ेंगे थोड़ा मरोड़ेंगे सो प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड वी आर ट्राइंग टू मेमोराइज थिंग्स तिनसुखिया तीन सुखिया अगर आप सुन रहे हो कैन यू ब्रेक इट इं टू तीन सुख तीन इज थ्री सुख इज प्लेजर सो so, तीन सुखिया तीन सुख अगर चाहिए तीन सुख अगर चाहिए तो माझी जी यानी माँ माँ मम्मी मा, मा, माँ जी माँ जी की पूजा करिए कितनी माँ जी तीन माँ जी की पूजा करिए तीन सुख चाहिए तो तीन माँ जी की पूजा करिए यूजली क्या होता है तीन देवियों को ज्यादा पूजा जाता है सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा है ना बाकी इन्हीं के बहुत सारे और रूप निकाल लिए जाते हैं तो सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा इनको तो तीन माजी हो गई है तो तीन सुख चाहिए आई एम टेलिंग यू नाउ कि भाई अगर तीन सुख चाहिए तो तीन माजी को पूजिए आपको सारे सुख मिल जाएंगे ओके okay? तो इससे आपको वैसे तो नाव एक डिस्क्लेमर मैं यहीं पर दे दूँ जिन भी डिस्ट्रिक्ट की प्लेसिंग आपको ऑलरेडी पता है जैसे आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो यू मस्ट बी नोइंग द प्लेसिंग ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट इफ यू ऑलरेडी नो द प्लेसिंग ऑफ सम डिस्ट्रिक्ट डू नॉट ब्रेक इट अप इनटू एनी मेमोरी टेक्निक ठीक है जैसे अगर आपको पता है तिनसुखिया डिब्रुगढ़ इस तरफ आते हैं बात खत्म डू नॉट पुट एनी सॉर्ट ऑफ टेक्निक इन टू लर्निंग दैम यू ऑलरेडी नो दैम जो चीज़ आपको नहीं आती सिर्फ उसी पर टेक्निक अप्लाई कीजिएगा ठीक है जैसे आई नो तिनसुखिया डिब्रुगढ़ एंड माजुली इन तीनों की प्लेसिंग इवन दो आई एम नॉट फ्रॉम दिस नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया बट इवन दो आई नो इट तो मुझे इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है बट आई विल बी गिविंग द ट्रिक अज्यूमिंग दैट यू नो नथिंग ठीक है ओके तो तीन सुख चाहिए तो तीन माजी की पूजा करिए सो so, तीन सुख से तीन सुखिया और माजी से धेमाझी धेमाझी बोलिए मेरे साथ में तीन सुख से तीन सुखिया एंड माजी से धेमाझी यहां तक का हो गया ठीक है ना अब तीन माजी में से एक माजी कौन सी है लक्ष्मी से लक्ष्मी से लखीमपुर लखीमपुर लखीमी लखीमी आई थिंक लोकल लैंग्वेज में राइस को भी कहा जाता है और लखीमी लक्ष्मी से भी मिलता जुलता है तो तीन माँ जी की पूजा की कीजिए उनमें से एक माँ जी कौन सी है लक्ष्मी लक्ष्मी से लखीमपुर आपको याद आ जाएगा लखीमपुर ओके नहीं तो लक्ष्मी लक्ष्मी से याद नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो तीन सुख चाहिए तो तीन माँझी की पूजा कीजिए उससे आप लकी हो जाओगे तो लकी से लखीमपुर भी आ सकता है इट इज़ अप टू यू राइट यहाँ तक का एक स्टोरी तो समझ में आ गया स्टोरी नहीं एक नरेशन था मेरा कि तीन सुख चाहिए कि भाई पढ़ाई में भी अच्छे हो पैसा भी अच्छा हो और खुश भी रहें वटेवर तो तीन माझी की पूजा कीजिए उसमें से एक लक्ष्मी जी है डन अब मैं अपनी एक प्रॉब्लम लेकर पहुंची हूं माँ जी के पास अब देखो धेमा दे जी में ना वैसे भी बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं सो so, देवियों के बहुत सारे मंदिर हैं सो <coughs> so, यहां चलते हैं मैंने माँ जी को बोला कि माँ जी किसी ने मेरी ना डिब्बी चुरा ली है छोटा सा बॉक्स होता है छोटे छोटे से बॉक्सेस उनको डिब्बी बोलते हैं so, किसी ने मेरी डिब्बी चुरा ली है और सागर में बहा दी सागर इस ओशन सी 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 में बहा दी सागर में बहा दिए तो माँ जी बोली तो बेटा आप ले लो जा करके सागर में देखो कहाँ तक है किनारे किनारे मैंने कहा नहीं 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 वहाँ से किसी ने ले ली और हाट में बेच भी दी हाट बाज़ार में बेच भी दी <coughs> तो माँ जी बोली कोई बात नहीं बेटा अब ठीक है वो नहीं तो कोई और गोल छोटी सी डिब्बी आप कहीं से ले लो तो इस मैंने बोला मैं घाट घाट घूम लिया इस गोले पे तो नहीं मिल रही मेरी डिब्बी अब मैं कोई और ही डिब्बी लूँगी कोई बात नहीं पर अच्छी बात नहीं है माँ जी ठीक है तो मैं गई हूँ मांझी के पास सीन देखेगा मैं गई हूँ मांझी के पास माँ जी किसी ने मेरी डिब्बी चुरा ली मेरी फेवरेट डिब्बी थी वो मैं उसके अंदर अपने छोटे छोटे वो टॉप्स या इलायची वो रखती थी और चुराई तो चुराई उसको सागर में बहा दिया फिर वहां से किसी ने लेके हाट में बेच दिया मतलब वो मुझे कहीं नहीं मिल रही घाट घाट घूम ली मैं इस गोले पे तो कहीं नहीं हो पीके मूवी थी आप कौन गोले के हो गोला इस प्लेनेट तो इस गोले पे तो कहीं नहीं मिल रही मुझे किसी और गोले पर जाकर के ढूंढनी पड़ेगी ये सीन दिख गया ठीक है तो बस इससे आपको ये याद हो जाएगा एक बार देख लीजिए ये तीन चाहिए तो तीन माँ जी की पूजा कीजिए उनमें से एक लक्ष्मी जी थी यहां तक था अब देखिए माँ जी के पास में आई कि मेरी डिब्बी किसी ने चुरा ली डिब्बी से डिब्रूगढ़ हो सकता है डिब डिब्बी डिब डिब्रूगढ़ ठीक है चुराली चुराली से चराई दे चुराई चुराई चराई चराई ओके? तो हिंट चाहिए हमें हम नेम तक पहुंच जाएंगे इसीलिए हम शुरू में रीड कर रहे थे सारे नेम्स ओके तो किसी ने मेरी डिब्बी चुराई तो डिब्रूगढ़ चराई देओ, चराई दे और सागर में बहा दी तो शिव सागर शिव सागर सागर में बहा दी और किसी ने उठा के हाट में और बेच दी तो जोरहाट जोरहाट और हमने घाट घाट ढूंढ लिया इस गोले पे तो नहीं मिली तो गोलाघाट तो क्या था किसी ने मेरी डिब्बी चुराई समुद्र में बेची और वहाँ से किसी ने उठा के हाट में बेच दी मैं घाट घाट घूमाई मुझे इस गोले पे तो कहीं नहीं मिली इससे हो जाएगा पहले मैंने किससे बात की थी माजी से तो देखो धेमा जी के बिल्कुल नीचे आएगा डिब्बी से डिब्रूगढ़ चुराई से चराई फिर सागर से शिव सागर हाट से जोरहाट और घाट से और गोला से गोलाघाट ठीक है अब यहाँ पे देखिए लखीमपुर हमने पढ़ा था लक्ष्मी जी तो जहाँ लक्ष्मी जी हैं वहाँ कोई देवता भी साथ में रख दीजिए तो लखीमपुर के बिल्कुल पास विश्वनाथ विश्वनाथ बोलते हैं इसको विश्वनाथ पूरे विश्व के नाथ हैं ठीक है विश्वनाथ तो लक्ष्मी जी और विश्वनाथ पास पास हैं तो यहाँ तक के अच्छा अब आप बोलोगे मैम ये माजुली रह गया माजुली जान करके हमने छोड़ दिया कि आपको पता है रिवराइन आइलैंड है और बीच में इधर सैंडविच्ड है है ना तो ऐसे आप देखिएगा ये बिल्कुल आप इसको शेप से पहचानोगे ये शेप आपको दिख गई राइट सो ये जो शेप आपको अपर असम में दिख रही है दिस इज माजुली रिवराइन आइलैंड राइट सो वी आर डन विद तिन सुखिया माजी लखीमपुर बिस्वनाथ, फिर डिब्रूगढ़ चराय देव शिव सागर जोरहाट गोलाघाट गोलाघाट को भी आप शेप से पहचान सकते हो देखो ये है इलांगेटेड लेकिन इसका नाम गोला है गोला इज सर्कल राइट सो दिस इज गोलाघाट अलग से आपको डिफरेंशियट हो जाएगा इसका शेप भी ठीक है तो दिस इज गोलाघाट शिव सागर का शेप भी वैसे डिफरेंशियट हो जाएगा अगर आप कभी स्टोरी से नहीं जाना चाहें सीधे जाना चाहें शिव सागर इज लाइक like सॉर्ट ऑफ sort of आप इसको थोड़ा तिलक जैसा या शिवलिंग शिवलिंग तो हालांकि इस तरह का होता है बट यू कैन रिलेट अ लिटल इट इज ऑल्सो अ पिक्यूलर इन शेप राइट चलिए यहां तक हो गया अब हम चलेंगे नाव विल बी कवरिंग ये वाला पूरा स्टोरी हम लेते चलेंगे एंड वील बी कवरिंग टिल एक साथ ठीक है तो हम नॉर्थ सेंट्रल और बराक वैली तीनों इकट्ठे कवर करेंगे सो लेट मी जूम इट राइट तो अब मैं अपसेट थी भाई मेरी डिब्बी गुम गई है तो माता जी ने बोला माँ जी ने बोला कि चल चल रिचा लेट्स गो टू करीम्स करीम्स इज अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स इफ़ एट ऑल यू नो नॉनवेज रेस्टोरेंट है रिचा नहीं खाती है नॉनवेज बट आपको स्टोरी याद करवाने के चक्कर में हम खा लूंगी कोई बात नहीं या फिर अगर आपको करीम्स नहीं पता है तो कोई भी एक फ्रेंड ले लीजिए करीम और उसको गंजा कर दीजिए करीम हो गया गंजा आपका फ्रेंड आप बोलो रहे क्या कांड करके आया भाई कांड यानी क्या बहुत बड़ा आपने कुछ गलत कर दिया हिला क्या कांड किया गंजा हो गया तो और फिर सब उसको देख करके आपस में कचर 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 धीरे 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 बातें करने लग गए बस ये सीन देखना है या तो आप करीम्स रेस्टोरेंट चले जाओ तो माँ जी मुझे लेके बोली जा 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 करीम्स में मेरी तरफ से स्पॉन्सर्ड लंच करके आओ तो मैं करीम्स गई तो वहाँ पे तो हल्ला ही हल्ला हो रहा है मैंने बोला हाय ला क्या हो रहा है यहाँ पे इतना हल्ला हो रहा है सब कचर 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 कर रहे हैं ये सीन दिख गया करीम्स है हल्ला हो रहा है सब इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं और कचर 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 बातें कर रहे हैं सो करीम से हो जाएगा करीमगंज हल्ला से हो जाएगा हैला कांडी या तो आप हाईला क्या कांड किया तूने दोस्तों को हम ऐसे बोलते हैं ना ओ मैन यू डू हाइला क्या कांड किया तूने तो हाईला कांड से भी हैलाकांडी कांडी हो जाएगा और अगर हल्ला लेना है करीम रेस्टोरेंट को तो, तो भी हैला कांडी हो जाएगा और कचर 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 कचर, कचर सब बातें कर रहे हैं तो कचार हो जाएगा ठीक है तो ये तीन आपके पहले तो आप याद कर लीजिए हो गए मतलब आपको करना नहीं है सो करीमगंजा करीमगंज और करके आया हेला और कचर 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 सब लोग तो <coughs> आ गई अब भाई आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये बात कर रहे हो क्या कर दिया ये वो? तो मेरे को भी आ गई <laughs> तो हंसी से क्या होगा हंसाओ दीमा हंसाओ सो so, दीमा हसाओ. मुझे भी मैं भी उसी सीन में हूँ आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो बट आई एम स्टैंडिंग साइड मुझे डाल दो सीन में ठीक है तो मुझे भी हंसी आ गई अरे यार इसका फ्रेंड था एकदम गंजा होके आ गया तो हस्सी हस्सी से दीमा ओके okay? अभी मैं इसका एक और वर्जन भी दे दूंगी इफ यू वांट यू कैन यूज दैट चलिए तो यहां तक हंसी तक का समझ में आ गया राइट right? अब आगे बढ़ते हैं अब देखिए तो ये जो चार थे ये एक साथ आपने याद कर लिए अब मैंने आपको कहा था कि कार्बी आंगलोंग इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम यस इस पूरे मैप में आपको अलग से दिख जाएगा ये कार्बी आंगलोंग दिख जाएगा ना कार्बी आंगलोंग अगर ये दिख जाएगा तो इसके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो हम इससे ही आइडेंटिफाई करके कर लेंगे कार्बी आंगलोंग और कार्बे आंगलोंग वेस्ट के बीच में हो जाए आता है राइट तो कार्बी आंगलोंग और कार्बी आंगलोंग वेस्ट तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ठीक है हो जाए दोनों जो कार्बी आंगलोंग हैं कार्बे आंगलोंग और कार्बी आंगलोंग वेस्ट ईस्ट सॉरी वेस्ट वो आपस में कॉम्पिटिशन करना चाह रहे हैं बोले हो जाए एक कॉम्पिटिशन दूसरा है हो जाए ठीक है तो दो के बीच में क्या हो रहा है कॉम्पिटिशन और हम क्या बोलते है? हो जाए हाँ हो जाए तो हो जाए क्या कॉम्पिटिशन था गाना गाने का गाना गाने वाले थे बोलो और वहाँ के जो दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे पथेटिक गाना गा रहे थे वेरी बैड तो जैसे उन्होंने गाना गाना शुरू किया आप हंसाओ यहाँ से भी कर सकते हो और आप हंसाओ इससे भी एसोसिएट कर सकते हो तो आपको याद रहेगा ये दीमा हंसाओ है जैसे उन्होंने गाना गाना शुरू किया सबको हंसी आने लगी है. अरे कैसा गा रहे हैं ठीक है तो दीमा हंसाओ आप हो जाए से भी एसोसिएट कर सकते हो और ऊपर चलो हो जाए से तो एक ऑडियंस में से एक जाना चिल्लाया ना गाओ भाई ना गाओ मेरे गांव तक लोगों की नींद उड़ गई है डर गए लोग लोगों की नींद उड़ गई है ना गाओ प्लीज ना गाओ चुप हो जाओ बस ओके सो so जैसे ही इन लोगों ने हो जाए बोल के गाना गाना शुरू किया एक इंसान चिल्ला ना गाओ ना गाओ ना गाओ मेरे गांव तक लोगों को डर लग गया तुम्हारी आवाज सुन के तो मोरे गाओ, मोरे मोरेगा मेरे गाँव तक मोरे मोरेगा लोगों को डर लग गया दरांग डर डर से दरांग, दरांग, ओके और मेरी तो जन्म जन्मों की उड़ गई क्या उड़ गई सो नहीं पाऊंगी अब मैं नींद उड़ चुकी है मेरी ठीक है तुम्हारी आवाजें सुन के मेरी जन्म जन्मों की नींद उड़ गई अब मैं सो नहीं पाऊंगी शांति से तो उड़ गई उड़ल गुरी उड़ल गुरी उड़ गई उड़ल गुरी और क्या अब हम सो नहीं पाएंगे तो मैं थोड़ा एसोसिएशन वहां से भी करवा दूंगी एक बार ये वाला एसोसिएशन कर लीजिए के कार्बी आंगलोंग अब देखो इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं <coughs> वापस से एक बार देखिएगा सीन बनाइएगा कार्बी आंगलोंग आपको मैप से दिख जाएगा कार्बी आंगलोंग वेस्ट आप देख लेंगे इन दोनों के बीच में हो जाए मिनिएचर इंडिया भी कहते हैं इसको तो क्या हो जाए सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो जाए और जैसे इन्होंने गाना गाना शुरू किया लोग हंसने लग गए तो धीमा हंसाओ तो नीचे है और किसी इंसान ने बोला ना गाओ भाई तो ना गाओ ऊपर आ गया जो कि राइस बोल ऑफ आसाम है और फिर उसने बोला कि मेरे गांव में लोग डर गए तुम्हारी यहां से आवाज वहां पहुंच गई तो मोरी गांव और धरांग ओके और उड़ गई मेरी नींद अब मैं सो नहीं पाऊंगी कई जन्मों तक तो उड़लगुरी या उड़लगुड़ी एंड सोनितपुर अब सोनित को आप विश्वनाथ से भी कर सकते हो विश्व के नाथ है तो कितने सोने होंगे ना सोने बोलते पंजाबी में वेरी वेरी क्यूट वेरी ब्यूटिफुल तो कितने सोने होंगे ना और ये जगह भी बहुत ब्यूटीफुल है तभी तो इतने सारे नेशनल पार्क हैं यहाँ पे है ना तो विश्वनाथ जो विश्व के नाथ हैं वो भी बहुत सोने हैं तो सोनितपुर यहाँ आ जाता है ऐसे भी आप कर सकते हो जो गांव होता है वो भी बड़ा सोना होता है ऐसे भी आप कर सकते हो ठीक है तो आप सोनितपुर हर जगह से एसोसिएट कर सकते हो ये पूरा एरिया हो गया ये इलांगेटेड सा गोलाघाट था एंड ये नागाँ और ये गोलाघाट और नागाँ के इधर ही बीच में क्या पड़ता है क्या पड़ता है काजीरंगा नेशनल पार्क ठीक है जी तो अभी तक हमने तीन सुखिया तीन सुख चाहिए तो माँ जी की पूजा करिए एक माँ जी लक्ष्मी जी और लक्ष्मी जी के पास में है विश्वनाथ तो तीन सुखिया धे माझी लखीमपुर और विश्वनाथ फिर माझी के पास में गई मेरी किसी ने डिब्बी चुराई और सागर में डाल दी फिर वहां से किसी ने हाट में बेच दी मैं घाट घाट घूम ली मुझे कहीं नहीं मिली इस गोले पे तो धेमाजी के बाद डिब्रूगढ़ चरायदेव सिव जोरहाट गोलाघाट और बीच में जो इलांगेटेड सा शेप आपको दिख रहा है दैट इज़ माजुली ठीक है फिर हम आए यहाँ पे हमने कार्बी आंगलोंग आइडेंटिफाई किया पहले तो फिर उससे हमने वेस्ट का कार्बी आंगलोंग वेस्ट आइडेंटिफाई किया इन दोनों के बीच में क्या था कंपटीशन हो जाए हो जाए और जैसे गाना गाना शुरू किया हंसने लग गए लोग तो दीमा ऊपर वाले ने बोला ना गाओ <laughs> मेरे गांव में लोगों को डर लग गया तुम्हारी आवाज़ सुन के मोरीगांव दर्रांग उड़ गई मेरी नींद सो नहीं पाऊंगी जीवन भर तो उड़लगुड़ी एंड सोनेतपुर नीचे क्या था मुझे मेरा मूड ठीक करने के लिए करीमगंज करीम्स रेस्टोरेंट लेके गए वहाँ पे बहुत हल्ला हो रहा था और कचर कचर कर रहे थे लोग तो करीमगंज हैलाकंडी हेला कांडी हल्ले से नहीं हो रहा है तो आपका एक फ्रेंड है करीमगंजा हो गया आपने बोला हाई क्या अकाउंट किया और कचर कचर सारे लोग बातें कर रहे हैं और मुझे भी हंसी आ गई तो ये सारी चीजें हमने जोड़ ली हैं अब हम आ जाते हैं इस साइड पे राइट right. <coughs> सी हमने वीव कवर टिल ओके या अब इतना ही रहा बचा अब यहाँ पे एक पहले शेप आइडेंटिफाई करवाती हूँ आपको बड़ा अच्छा लगेगा देखो एक रिवॉल्वर जैसा शेप थोड़ा सा ना क्रिएटिव इमेजिनेशन कीजिएगा ये ये जो आपको दिख रहा है ना ये रिवॉल्वर की बॉडी जैसे रिवॉल्वर इज यूजली लाइक दिस ना है ना तो ये रिवॉल्वर की बॉडी और ये इसका ट्रिगर वाला एरिया क्या आपको क्या आपको थोड़ा सा मेरी नज़रों से देखने को मिल पा रहा है तो मैं अगर ये बोलूँ ये वाला हिस्सा हम ज्यादा आगे निकल गए ये वाला हिस्सा ओके okay? और इसमें ये रिवॉल्वर आर यू एबल टू सी लिटिल लिटिल बिट रिवॉल्वर दिख रहा है इसमें अगर हाँ तो बस आपके चार डिस्ट्रिक्ट याद हो जाएंगे आपको यहाँ से ठीक है अब देखो इसमें ये है चिरांग चिरांग तो चिरांग से हम चिराग ले सकते चिराग था ना जिनी का चिराग चिराग घिसो और जिनी आ जाता है तो दिस इज चिराग ओके दिस इज चिराग ये है बक्सा तो हम बना लेते हैं एक बक्सा है ना ये एक बक्सा हो गया ठीक है नालबाड़ी सो नालबाड़ी के लिए हम नल बना लेते हैं ये मैं इमेजेस बना रही हूँ ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा अच्छे से सेटल से हो जाएगा नालबाड़ी ओके एंड दिस इज बाजाली सो बाजाली के लिए हम बिजली लाइटनिंग ठंड बिजली बाजाली ओके नहीं तो बजाना आवाज भी ले सकते हो तो ये अगर आपको रिवॉल्वर दिख गया तो इस रिवॉल्वर की खास बात क्या है सबसे पहले हिस्से में चिराग है तो ये रिवॉल्वर आसानी से नहीं मिलती देखो बहुत ध्यान से ढूंढनी पड़ी आपको तो चिराग लेके ढूंढनी पड़ेगी नंबर वन बक्से जैसी भारी अगर आपको मिल भी गई ना तो उठा नहीं पाओगे बक्से जैसे भारी है ठीक है नल जैसे स्मूथ बहती है ये एक बार आप चलाओ तो ऐसी स्मूथ गोली निकलती है इसमें से ठीक है तो नल जैसा स्मूथ बहती है और बिजली जैसी तेज चलती है बिजली जैसी तेज चलती है चारों चीजें याद हो गई कि चिराग ढूंढने पे मिलेगी बक्से जैसी भारी है नल जैसी स्मूथ चलती है और बिजली जैसी तेज चलती है ओके तो चिराग से चिरांग, बकसा से बकसा। अभी तामलपुर मैंने अलग से याद नहीं करवाया बिकॉज बताऊंगी क्या करना है इसका। रुक जाना, ओके? नल जैसी तेज चलती है तो नालबाड़ी या नलबाड़ी एंड बिजली से बाजली बाजली ओके okay. अब ये जो तामलपुर है इसको मैं हटा देती हूँ पूरा यहाँ से तामलपुर जो है ये क्योंकि लेटेस्ट एडिशन हुआ है आप सीधे सीधे इसकी प्लेसिंग याद रखेंगे बक्सा से निकला तामलपुर ये रहा और देखो बक्सा की शेप इस तरह की थी बस इधर से एक ये पीस निकाल दिया तो ये रेक्टेंगलिश तामलपुर हो गया उड़लगुड़ी और बक्सा के बीच में तामलपुर ये शेप आप सीधे सीधे ध्यान रखेंगे ठीक है इतना हो गया अब ये वाला हिस्सा तो हो गया हमारा डन थोड़ा सा पेशेंस से सीखना क्योंकि वीडियो देखते देखते याद कर रहे हो दोबारा रटना नहीं पड़ेगा कभी इनकी प्लेसिंग्स को ठीक है <coughs> अब इधर आ जाओ <coughs> मोरेगांव हमने किया था देखो नागाव को भी अगर आपको एकदम से पहचानना है पहचान सकते हो ये कार्बी आंगलोंग आइडेंटिफाई कर सकते हो ना उसके पास में देखो ये थोड़ा फ्रॉग जैसा <laughs> मुझे लगता है फ्रॉग के दो पाँव पीछे है ना फ्रॉग जैसा ये नागाँ आपको दिख जाएगा नागांव के बिल्कुल पास में मोरेगांव दिख गया ओके अब मोरेगा के इधर ये नीचे देखो कामरूप कॉस्मोपॉलिटन या कामरूप मेट्रो जो भी आप इंग्लिश में इसको नाम बोले कामरूप मेट्रो ये देखो एम जैसा थोड़ा सा शेप दिखेगा इसका यस तो ये जो और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं या <laughs> ये देखिए सो दिस कैन बी एम सो कामरूप मेट्रो या कामरूप काम कॉस्मोपॉलिटन और यहाँ पे गुवाहाटी और कामख्या देवी मंदिर आता है तो कामरूप अगर समझ में आ गया मोरेगांव के पास कामरूप और ये कामरूप मेट्रो और ये कामरूप कॉस्मोपॉलिटन और कामरूप ठीक है ये वाला जो कामरूप है ना आप इसका शेप थोड़ा देखो किसी ना किसी एनिमल जैसा फेस लगता है ये कि ये दुकान हो गया ये फेस हो गया ये आगे का हाथ हो गया इस तरह का कोई एनिमल है तो कामरूप आप ऐसे भी देख सकते हो तो अब कामरूप कैसे याद रखोगे देखो डर और कामरूप दोनों थोड़े डिफरेंट है डर किसी डरावनी चीज को देख के आप डरते हो और कामरूप काम काम इज अट्रैक्टिव uh, काम रूप यानी कामदेव जैसा रूप है आपका यू आर वेरी अट्रैक्टिव तो दर्रांग के बिल्कुल ऑपोजिट डर के ऑपोजिट काम रूप आ जाएगा ठीक है ये हो गया कामरूप को आप ऐसे भी देख सकते हो क्योंकि कामाख्या देवी का मंदिर है तो आप उससे भी सीधे कर सकते हो कामाख्या देवी टेम्पल क्योंकि आप डर गए थे आप कामाख्या देवी मंदिर गए कामरूप में है कामरूप कॉस्मोबोलिटिन में और आप कामरूप में आ गए अब यहाँ से देखिएगा कि अट्रैक्टिव काम रूप किसका होता है आप असम के किसी भी इंसान को देख लो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं यहाँ के तो ग्वाले भी अट्रैक्टिव है ग्वाले इज मिल्क मैन यहाँ के तो ग्वाले भी अट्रैक्टिव हैं तो ग्वालपाड़ा ग्वाला से ग्वालपाड़ा ओके गौल गौल तो यहाँ का तो काम रूप सिर्फ नॉर्मल मतलब हर इंसान है ग्वाल ग्वाले भी बहुत अट्रैक्टिव है यहाँ के तो ग्वालपाड़ा हो जाएगा ऐसा लगता है डूब रहे हैं दूध में डूब रहे हैं इतना स्मूथ स्किन होता है इन लोग का डूब रहे हैं तो धूबरी धूबरी और देखो यू जैसा थोड़ा सा इसमें शेप दिखेगा ऊबरी धुबरी ओके और फिर लास्ट में आप देखिए और मुझे मैं साउथ सलमारा जैसी हूं मेरे मन की चार मुरादे भी पूरी नहीं हो सकती कि मेरे को पिंपल नहीं खत्म होते यहां तो ग्वाले भी डूब रहे हो दूध में इतने जैसे स्मूथ स्किन है इनकी ठीक है तो ऋचा मैम ही बोल रही है वापस तो ऋचा मैम गई पहले कामाख्या मंदिर ठीक है फिर कामाख्या से कामरूप कामरूप ये दोनों हो गए फिर मैंने बोला कामरूप तो भाई ग्वालों का है असम के ग्वाले तो कितने सुंदर हैं और ऐसा लगता है डूब रहे हैं दूध में इतनी स्मूथ स्किन होती है और मुझे देखो साउथ सलमारा मन का चार मुरादे पूरी नहीं होती मेरे पिंपल्स खत्म नहीं होते तो साउथ सलमारा मन का चार हो जाएगा ठीक है यहां तक समझ में आ गया ये चीज हमने कर ही ली थी इतनी क्या बचा कामरूप दर्शन करके आई वेंट टू बारपेटा बारपेटा इज यहां पे वैष्णवाइट कल्चर बहुत ज्यादा प्रॉमिनेंट है ना तो मैंने बारपेटा में जाके भरपेट कीर्तन वगैरह सुना है ना वैष्णव कल्चर का खूब सारा कीर्तन सुना भरपेट तो बारपेटा देखो कहाँ से एसोसिएट किया मैंने कामाख्या मंदिर तो कामरूप वहीं से ही दूसरा कामरूप आया फिर मैंने भरपेट सत्संग सुना तो बारपेटा और फिर मैं गई अपने गाँव तो बोंगे गाँव गई गाँव गाँ से बोंगे गाँव और मेरा गांव क्या था कोकराझार झाड़ी में से होते हुए गया ऐसे देख लो अगर कोकराझार याद नहीं रहे तो कोकराझार और कोकराझार वही है जहां पे रेमोना नेशनल पार्क नया बना है तो अगेन एक बार इसका क्विक रिविजन मैं दूंगी आपको हमने इसका एसोसिएशन किया <coughs> दर्रांग से ले लो या मोरी गांव से ले लो नहीं तो कार्बी आंगलोंग वेस्ट से भी ले सकते हो कार्बी आंगलोंग वेस्ट के पास ये मोरी गाँव था फिर ये ये एम शेप का आप कामरूप मेट्रो या कामरूप कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिफाई कर लो ठीक है ये कामरूप हो गया इसको छोटे में एक ओ, so इसको एक बार छोटे में देख लीजिए ये देखिए दिस इज कामरूप तो ये आपको दिख जाएगा है ना यो कामरूप कॉस्मोपॉलिटन से कामरूप उसके बाद मैंने कहा यहाँ के तो ग्वालों का भी रूप बहुत सुंदर है तो ग्वालपाड़ा ऐसा लगता है डूब रहे हैं दूध में इतने स्मूद है तो ढुबरी और मैं साउथ सलमारा मन का चार भी पूरा नहीं होता तो ऐसा करके फिर कामरूप से मैं गई बारपेटा भर पेट मैंने कीर्तन सुना फिर मैं गई गाँव तो बोंगाए गाँव मेरा गाँव था कोकराझार ऐसे करके कोकराझार गाँव नहीं है पर मैंने बना लिया ओके और ये हमने कर ही लिया चिराग लेके जाओगे तो भी नहीं मिलेगी आपको क्या ये वाली जो रिवॉल्वर है रिवॉल्वर ध्यान है फटाफट से देख लो रिवॉल्वर ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है हाँ ये रही रिवॉल्वर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है ये बॉडी और ये ट्रिगर ठीक है तो रिवॉल्वर चिराग ढूंढ के जाओगे तो ही ढूंढ पाओगे चिराग बक्से जैसे भारी है तमलपुर सीधे याद रखोगे नल की तरह स्मूथ चलती है और बिजली जैसी तेज चलती है सो दिस वॉज ऑल द स्टोरी दैट आई हैड टू टेल यू यस अलग अलग पोर्शन में बड़ी बड़ी हैं थोड़ी इतनी भी बड़ी नहीं है बहुत सिंपल है पर थर्टी फाइव डिस्ट्रिक्स याद करानी थी <coughs> तीन सुख तीन माता जी के पास जाओ एक उसमें से लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी के पास में कौन बैठे हैं कौन बैठे हैं विश्वनाथ बैठे हैं ठीक है थीके? तो तीन सुखिया धेमा जी लखीमपुर विश्वनाथ मैं गई हूँ माँ जी के पास में मेरी डिब्बी चुरा ली और सम आ, किस में सागर में बहा दी है और फिर हाट में बेच दिए मैं घाट घाट चली गई फिर भी इस गोले पे नहीं मिली तो डिब्रूगढ़ चरायदेव शिव सागर जोरहाट गोलाघाट और ये माजुली दिग्या गोलाघाट को भी आप शेप से आइडेंटिफाई कर सकते हो माजुली को आप शेप से आइडेंटिफाई करोगे कार्बी आंगलों को आप शेप से आइडेंटिफाई कर सकते हो कामरूप कॉस्मोपोलिटन को आप शेप से आइडेंटिफाई कर सकते हो ये चार डिस्ट्रिक्ट जो हैं, ये आप शेप से आइडेंटिफाई कर सकते हो ओके okay? धुबरी को आप शेप से आइडेंटिफाई कर सकते हो तो बहुत सारे मैंने आपको शेप आइडेंटिफिकेशन भी दिए हैं जो आपको अगर आप कहीं अटक जाओ तो हेल्प कर सकते हैं नागांव आप शेप से आइडेंटिफाई कर सकते हो यस yes? देन उसके बाद आगे <rals staff> देन कार्बी आंगलोंग वाली पूरी स्टोरी अगर आपको याद हो गंजा हो गया हमने बोला हैला क्या कांड किया और फिर आ, सब चटरपटर बातें करने लग गए तो करीमगंज हैला कांडी और कछार हंसते में तो दीमा हंसाओ फिर ये दोनों आंगलोंग के बीच में मैच हो जाए न ना, ना गाओ मेरे गांव तक लोग डर रहे हैं तो दर्रांग उड़ गई मेरी नींद और सो नहीं पाऊंगी पूरे जीवन भर तो उड़ल गुड़ी और सोनितपुर देन कामरूप वाला पूरा स्टोरी हमने देख ही लिया है नाउ मुझे नहीं पता आपको कितना याद हुआ होगा मेरी तरफ से ये बेस्ट पॉसिबल आई कुड डू और अगर आपने ढंग से विजुलाइज किया होगा अगर आप नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग करते हो इसमें से काफी सारे नाम आपने सुने हुए आपकी जुबान पर चढ़े हुए होंगे मेरे लिए तो और डिफिकल्ट था अगर मुझे याद हो गया आई बींग नॉट एट ऑल एसोसिएटेड विद ऑल दिस डिस्ट्रिक्ट फिर भी अगर मुझे याद हो गया मतलब आपको तो हो ही गया होगा चेक करें थर्टी फाइव में से मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन ट्वेंटी फाइव मार्क्स का है अगर आप ट्वेंटी फाइव मार्क्स भी ला पा रहे हो दिस विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो अब इसके बाद क्या करना होगा एक या मैक्सिमम दूसरा रिविजन लीजिएगा आपका स्कोर बहुत एक्सपोनशली ग्रो कर जाएगा ठीक है तो चलो शुरू करते हैं टाइम मैंने ज़रूर इस बार वीडियो में लिया है धीरे धीरे समझाया है बिकॉज मैं नहीं चाहती थी टू रश थ्रू थिंग्स पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मैंने लिया है जिसको समझाया तो आई वॉन्टेड टू गो ईजी ऑन थिंग्स मुझे नहीं पता आप लोग लैंग्वेज के साथ कितने कंफर्टेबल होगे हिंदी और इंग्लिश के साथ में तो आई हैव माई ओन रिजर्वेशंस की समझ आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा डू लेट मी नो इन द कॉमन सेक्शन कि वहाँ कितने लोग हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं बिकॉज एक्चुअली आई डू नॉट नो राइट सो दैट विल भी काइंड ऑफ काइंड ऑफ अ फीडबैक फॉर मी और अगर आप असम से नहीं देख रहे किसी और स्टेट से देख रहे हैं तो भी मुझे लिख के जरूर बताएगा फ्रॉम विच स्टेट यू आर वॉचिंग विद दिस वीडियो ओके चलिए शुरू करते हैं जी कहानी करें चलो तो नंबर वन सेम सीक्वेंस में चलते हैं कौन सा है ये अगर कुछ पहले से पता है तो आइडेंटिफाई कर लो जैसे कि ये आपको पता होगा कौन सा है ये सबसे बड़ा कार्बी आंगलोंग वेरी गुड कार्बी आंगलोंग के इधर ये कौन सा है कार्बी आंगलोंग वेस्ट है ना तो इस तरह से ये वाला शेप है ये कौन सा है माजुली जो पहले से पता है नो no प्रॉब्लम है ना छोड़ दो उनको, चलो जाओ तो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है नंबर टू तीन तीन तो, पे आते हैं तीन सुख चाहिए तो टेक योर टाइम आराम से तीन सुख चाहिए तो माजी की पूजा करिए तीन माजी की तो माजी से धमाजी धीमा ओके फिर थर्ड नंबर उनमें से एक माझी कौन सी है लक्ष्मी जी से लखीमपुर लखीमपुर के पास में आप ये फोर्थ नंबर भी बता ही सकते हो कि लक्ष्मी जी के पास में कौन बैठे हुए थे एक देवता का नाम हमने लिया था विश्वनाथ जिसको गुप्त काशी भी कहते हैं ओके चलो ये आपने बताई दिया मुझे पांचवा दिस इज माजुली ठीक है अब मैं गई थी माजी के पास मेरी क्या घूम गई डिब्बी डिब्बी से डिब्रूगढ़ ठीक है वैसे भी हमको तीन सौ डिब्रूगढ़ पता ही है शायद सेवन नंबर किसी ने मेरी डिब्बी चुराई सो चुराई दे चुराई एट नंबर पे ये शेप भी मैंने आपको बताया था कि शेप से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो नहीं तो चुरा के क्या किया गया मेरी डिब्बी का किसमें बहा दी सागर में तो शिव सागर शिव सागर या शिव सागर नाइन नंबर फिर वहां से उठा के किसी ने क्या किया हार्ट में भेज दी तो जोरहाट वेरी गुड और ये देखो शेप से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो शेप है लंबा लेकिन है इसका नाम क्या गोल से गोल घाट नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो मैं घाट घाट घूम ली पर इस गोले पे तो मुझे नहीं मिली ये दस डिस्ट्रिक्ट हो गए इसमें से अपना स्कोर अभी देख लो कितना हो गया सेवन भी लाए गए तो वेरी गुड ठीक है चलो आगे बढ़ें यहाँ चलते हैं यहाँ तक टेन हो गया था ठीक है जी चलिए इलेवन बताइए ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल है कार्बी लॉन्ग सबसे बड़ा ये बताइए कार्बी लॉन्ग बेस्ट ये बीच में बताओ इन दोनों के हाँ जय हो या इसका उल्टा हो जाए हो जाए कॉम्पिटिशन हो जाए ठीक है और नीचे जैसे इन्होंने गाना शुरू किया यहाँ लोग क्या कर रहे थे क्या कर रहे थे हंस रहे थे तो, तो दीमा हसाओ दीमा हसाओ ठीक है अब ये तीन मैंने आपको एक साथ याद कराए थे ये फिफ्टीन कौन सी लाइन ऑफ रेस्टोरेंट थी करीम नहीं तो आपका एक दोस्त था करीम जो कि क्या हो गया था गंजा तो करीम गंज करीम गंजा हो गया तो आपने क्या बोला था जो सचिन बोलते हैं हाइला हाइला क्या कांड किया तूने हैला कांडी वेरी गुड और ये सत्रह नंबर पे सेवेंटीन पे सब लोग आपस में क्या कर रहे थे कचर 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 उसके बारे में बातें कर रहे थे कचार कचार ठीक है वेरी गुड यहां तक भी ठीक है आ जाइए ऊपर अब हो जाए तो जैसे गाना गाना शुरू किया किसी ने क्या बोला था देखो इसका शेप मैंने कहा था फ्रॉक जैसा दिखता है थोड़ा है ना? किसी ने क्या बोला मत गाओ नहीं मत गाओ नहीं ना गाओ ना गाओ सो दिस इज ना गाओ, ओके okay. कहाँ तक जा रही है आवाज मेरे गांव तक जा रही है तो मोरे गांव ओके मोरे okay. और वहां लोग क्या हो रहे हैं डर रहे हैं दर्रांग रांग, ओके और डर रहे हैं और उड़ गई क्या उड़ गई नींद उड़ गई उड़ गई से उड़ल गुड़ी उड़लगुड़ी और अब मैं सो नहीं पाऊंगा कभी सोनितपुर और यहां पे यह था विश्वनाथ ठीक है तो विश्वनाथ से भी सोनितपुर तो 18 से 19 ट्वेंटी ट्वेंटी वन और ट्वेंटी टू तो हमारे कंप्लीट हो गए ठीक है जी यहाँ तक काफ़ी कुछ आंसर कर पा रहे हो ठीक है अभी मैंने कोई रिविजन करने को आपको बोला ही नहीं आप सीधे सीधे बस आंसर ट्राई कर रहे हो ठीक है तो ट्वेंटी टू हो गए सो वी हैव डन दिस दिस वॉज द ट्वेंटी सेकेंड नंबर हमारा ये हमने कर लिया ओके okay, ये भी हो गया यहाँ आते हैं है ना? ट्वेंटी थ्री ये देखो इसका शेप देखो और मुझे बताओ यहाँ पे कामाख्या देवी मंदिर भी है गुवाहाटी भी पड़ता है कामरूप कॉस्मोपॉलिटन ठीक है और ये इसके पास वाला कामरूप और ये थोड़ा किसी एनिमल जैसा दिखता है, है ना चलिए ठीक है अब मैंने कहा कामरूप ना असम में सबका होता है यहाँ के मिल्कमैन को क्या बोलते ग्वाले ग्वालपाड़ा ग्वालपाड़ा हो गया ये ठीक है फिर और ऐसा लगता है वो ग्वाले डूब रखे हों डूब रहे हों किसम दूध में तो डुबरी डुबरी और ये सबसे छोटा नीचे और मैं साउथ सेल मारा मन का चार ठीक है ट्वेंटी सेवन राइट अब इधर रिवॉल्वर ढूंढो जल्दी से जल्दी ढूंढो रिवॉल्वर अच्छा ये यहाँ पे ना मैं ये ड्रॉ कर दूँ ये लाइन बनी हुई नहीं है ये रहा आपका रिवॉल्वर है ना और ये रहा इसका ट्रिगर सो so, चिराग ढूंढने से भी नहीं मिलेगी तो चिरांग सो so, दिस इज ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन बताइए भारी है किसके जैसी बक्से जैसी तो बक्सा ये थर्टी नंबर विच इज एक्चुअली द लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टलपुर सीधे याद रखनी थी ये थर्टी वन थर्टी वन नल था यहां पे नालबाड़ी देन 32 <coughs> 32 बिजली जैसी चलती है तो बाजाली वेरी गुड ओके नाउ कमिंग ओवर टू 33 34 एंड 35 तो देखो ये क्या था कामरूप कामरूप से मैं कहां गई थी पेट भर पेट मैंने वैष्णव कीर्तन सुना था तो बार पेटा फिर मैं गाँव गई थी तो बोंगाए गांव गांव और लास्ट में मेरा गाँव कहाँ था कहाँ था कोकराजहार कोकराजहार सो दिस वाज अबाउट ऑल दी थर्टी फाइव डिस्ट्रिक्ट आई एम रियली एक्साइटेड टू नो योर स्कोर मेरे लिए चैलेंजिंग था ट्रिक्स बनाना भी बोलना भी याद करना भी आई रियली होप आप लोगों के लिए थोड़ा सिंपल कर पाई होंगी चीज़ें कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वीडियो ज़रूर बड़ी थी लेकिन आई टुक माई टाइम टू एक्सप्लेन द स्टोरीज टू यू टू टेल यू द फैक्ट्स एंड कोशिश की है चीज़ें विजुलाइज करवाने की याद करवाने की कितना हो पाए अपना स्कोर जरूर बताएगा याद करने का तरीका कैसा लगा और अगर स्कोर ट्वेंटी फाइव तक नहीं भी आ पाया थर्टी फाइव में से डू नॉट गेट डिसहार्टेड अगर आपने दस भी सही बताए हैं तो भी कुडोज टू यू आप एक दो बार रिवाइज़ कीजिए यू विल भी एबल टू गि अ वेरी गुड शॉर्ट ऑन द मैप बिकॉज ऑफ अट्टीमेटली आपको मैप तो पता होना चाहिए अगर आप असम के बारे में तैयारी कर रहे हैं आई एल बी लीविंग यू विद अ कोर्ड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन क्रिएटिविटी इज कंटेजियस ओके सो पास इट ऑन मुझ में कुछ क्रिएटिव है मैं आपको पास ऑन करूंगी आप में कुछ है आप मुझे पास ऑन करिए एंड सी यू वेरी सून परचम क्लासेस वॉल्यूम टू एक और चैनल है जो चल रहा है उस पर बर्निंग इशूज अभी आते हैं तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया आप कर सकते हैं देन उसी पे हम लोग मैथ इंग्लिश एसेट्रा स्टार्ट करेंगे इन द टाइम टू कम परचम ऐप है जहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप चाहें तो ले सकते हैं परचम क्लासेज डॉट इन से पी आप ले सकते हैं इंडिविजुअल टेलीग्राम चैनल पे अभी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए हर संडे सुबह टेन ओ क्लॉक वहाँ पर करंट अफेयर्स का क्विज होता है फ्री और बहुत एक्साइटिंग प्राइजेज भी होते हैं सो यू कैन गिव टू ट्राई अपना नॉलेज भी देखने को मिल जाएगा और कुछ अच्छे गुडीज जीतने को भी मिल जाएंगे सो यू वेरी सुन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ बाय